हेलो दोस्त, आज हम लोग एक फिर से नया वीडियो के साथ आ गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जो कन्वेंशनल लोकोमोटिव में ट्रिपिंग फेलियर होता है, जिसको हम लोग जानते हैं अलग अलग ट्रिपिंग फेलियर आता है। आईसीडीजे, नो टेंशन, ऑपरेशन ए, बी, ओ, आई, बहुत तरह का हमारा ऑपरेशन के साथ साथ ट्रिपिंग फेलियर हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो ट्रिपिंग फेलियर हमारा आ रहा है, इसका कारण क्या है, इसका चेकिंग साइन क्या है, ये याद रखने में हमारा बहुत दिक्कत होता है। तो ये ट्रिपिंग फेलियर हम लोग आसानी से कैसे याद रख सकते हैं, ये आज हम लोग जानेंगे। तो ये जानने से पहले हम लोग का जो डीजे सर्किट है, 8-9 लोगों का डीजे सर्किट जो है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये अगर हम लोग का समझ आ गया तो हमारा ट्रिपिंग फेलियर आसानी से हम लोग का याद हो जाएगा। अगर ये वीडियो लंबा बना और आप लोग नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो को आप लोग यहाँ पे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि डीजे सर्किट समझना होगा, उसके बाद हम लोग ट्रिपिंग फेलियर में जाएंगे। तो देखिए, ये है हमारा डीजे सर्किट। डीजे सर्किट में क्या होता है, हम लोग डीजे को कैसे क्लोज करते हैं ये हम लोग जानते हैं। डीजे तो हम लोग BLDJ, BLRDJ प्रेस करके क्लोज कर देते हैं, बट इतना सारा फंक्शन अंदर में होता है जो हम लोग का नहीं दिखता है, बट सर्किट में हम लोग का उसको जानना होगा। तो बैटरी हमारा लोको में रहता है, जो 4 बैटरी बॉक्स के अंदर रहता है दोनों तरफ। तो बैटरी जो रहता है हमारा लोको में, वो क्या करता है, 110 वोल्ट हमारा DC सप्लाई जनरेट करके देता है। ये 110 वोल्ट DC सप्लाई जो बैटरी हम लोग से लेता है, वो बैटरी हमारा क्या रहता है, सीरीज में कनेक्ट रहता है। तो ये सीरीज में कनेक्ट रहने से क्या होगा, बैटरी 110 वोल्ट हमारा लोको को देगा। देखिए, बैटरी का पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसमें एक एडिशनल CCBA करके फ्यूज लगाया गया है। ये एडिशनल CCBA क्या करता है ना, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको प्रोटेक्ट करता है। इसका 35 एम्स इसका रेटिंग हो गया। एंड ये एडिशनल CCBA कहाँ पे रहेगा ना, बैटरी बॉक्स नंबर 1 के अंदर रहेगा। एंड उसके आगे देखिए एक स्विच है HBA, जो हमारा बैटरी का ऑफ ऑन करने वाला स्विच, जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं बाईपोलर स्विच। क्योंकि ये बाईपोलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका देखिए बैटरी का पॉजिटिव एंड इस तरह है नेगेटिव, दोनों को एक साथ कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट ऑफ ऑन करता है, इसीलिए इसको बाइपोलर स्विच बोला जाता है। तो ये HBA जो स्विच है, ये HBA का 2 पोजीशन होता है, एक है 0 एंड एक है 1। अगर ये 0 में रहेगा तो बैटरी हमारा ऑफ है, अगर ये 1 में रहेगा तो हमारा बैटरी ऑन है। तो हम लोग HBA को 1 में रख दिया, तो हमारा ये जो टर्मिनल डिस्कनेक्ट था ये भी कनेक्ट हो गया, एंड ये डिस्कनेक्ट वाला भी साथ ही में कनेक्ट हो गया। तो सप्लाई जो बैटरी का रहता वो सप्लाई हब हमारा ये एडिशनल CCBA के होकर CCBA 35 एम्स जो फ्यूज है उसके अंदर से पास कर रहा है। ये भी एक फ्यूज है जो हमारा कहाँ पे रहेगा, फ्यूज जो स्विच पैनल है वो फ्यूज जो सारा लगा है उसमें रहेगा। सिर्फ एडिशनल CCBA हमारा बैटरी बॉक्स नंबर 1 में रहेगा, बाकी सब स्विच हमारा cab to LP मतलब लोको पायलट का पीछे जो स्विच पैनल है उसमें हमारा रहेगा। तो ये CCBA 35 एम्स एंड उसके आगे है CCBD 16 एम्स एक स्विच फ्यूज है। तो ये 2 फ्यूज हमारा सीरीज में कनेक्ट है। देखिए, अब CCBD से हमारा जो सप्लाई DC सप्लाई आ रहा था उसको जाने के लिए 3 रास्ता मिलेगा। ये CCBD से ये इधर भी जाएगा, CCBD से इधर भी जाएगा एंड इधर भी जाएगा। तो फर्स्ट कौन से तरफ ये जाएगा, तो CCBD से ये पहले इस तरफ जाके नीचे में देखिए Q118 इसको एनर्जाइज करेगा। कैसे करेगा, सप्लाई ऐसे तो आ रहा था बट इसके आगे पड़ेगा C118। ये C118 क्या है, एक कॉन्टेक्टर है। कब ये C118 का यूज़ होता है, जब हमारा 8-9 लोको में 8-9 को स्टार्ट करना होता है, तब ये C118 देकर ये C118 को क्लोज कर कर क्या करते हैं हम लोग, ये 8-9 को स्टार्टिंग फेज देता है। क्योंकि 8-9 क्या करता है, हमारा सिंगल फेज को लेकर 3 फेज बनाता है। ये सिंगल फेज को थ्री फेज में कन्वर्ट करता है। तो रोटेटिंग कन्वर्टर ये जो आरनो हम लोग जानते हैं, इसको स्टार्ट करने के लिए ये C118 कॉन्टेक्टर का हम लोग यूज़ करता है लोको में। तो नॉर्मली क्या होगा, जब आरनो को हम लोग स्टार्ट नहीं करते तब ये ओपन रहेगा कॉन्टेक्टर, और स्टार्टिंग के टाइम सिर्फ ये क्लोज होगा। बट देखिए आरनो कब स्टार्ट होता है, जब डीजे हमारा क्लोज होता है तब क्या होता है, ओएचई से सप्लाई हमारा डीजे के थ्रू क्या होगा, लोको में आता है। अब लोको के अंदर हमारा आरनो है, लोको के अंदर जो हमारा ओएचई से सप्लाई आया उसका लेकर हम लोग C118 का यूज़ करके आरनो को देगा स्टार्टिंग पेज, तब हमारा आरनो स्टार्ट होगा। बट अभी हमारा डीजे भी क्लोज नहीं हुआ है, तो C118 का क्लोज करने का हमारा ज़रूरत नहीं है। अभी तो डीजे को क्लोज करना है, तब तो C118 को क्लोज करेंगे। तो अभी क्या है, C118 हमारा ओपन है। बट देखिए यहाँ पे C118 के क्या है, इंटरलॉक है। कॉन्टेक्टर तो ओपन है, बट इसका इंटरलॉक क्या है, नॉर्मली क्लोज इसका दिया गया है। तो नॉर्मली क्लोज है, इसीलिए सप्लाई को आगे जाने का रास्ता देगा। तो सप्लाई ऐसे जाएगा एंड इस तरह देखिए एक क्लोज इंटरलॉक है एंड इस तरह ओपन है। तो ओपन है तो रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं जाएगा। बट इस तरफ क्लोज है, किसका किसका है, C105, C106, C107, किसका किसका है। ये पहला वाला है MVMT1 का, दूसरा वाला MVMT2 का, और तीसरा वाला C107 है MVRH का। ये जो तीनों है MVMT1, MVMT2, MVRH, ये क्या है हमारा ब्लोअर है, जो कैसे चलता है BLVMT। जब हम लोग इसको क्लोज करते हैं, ये BL स्विच को जब हम लोग क्लोज करते हैं तब ये तीनों कॉन्टेक्टर क्या होगा, क्लोज होगा। बट ये कब हम लोग क्लोज करते हैं, जब डीजे क्लोज होता है। सभी काम होगा डीजे क्लोज होने के बाद, बट डीजे क्लोज नहीं होने से ये सब जो हम लोग कॉन्टेक्टर है वो ओपन रहेगा। तो ये कॉन्टेक्टर भी ओपन है, बट इसका जो इंटरलॉक है C105 का, C106 का एंड C107 का, ये कॉन्टेक्टर का तीनों जो इंटरलॉक है ये नॉर्मली क्लोज दिया गया है। जैसे क्लोज है तो सप्लाई आगे इसके थ्रू जाएगा एंड Q44 तक आ जाएगा। Q44 क्या है, GR का हाफ नॉच प्रोटेक्शन डिले। तो ये हाफ नॉच में अगर हमारा GR अटक जाता है, स्टकअप हो जाता है, तो ये Q44 एनर्जाइज होके क्या करेगा, डीजे को ओपन करेगा। मतलब नॉर्मल स्थिति में ये क्या रहेगा, डी एनर्जाइज रहेगा। तो देखिए Q44 अगर डी एनर्जाइज है तो इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक यहाँ पे लगाया गया है। तो Q44 अभी डी एनर्जाइज है, तो इसका क्लोज इंटरलॉक इसका लगा रहेगा। तो सप्लाई आगे भेजेगा एंड Q46 तक आएगा, क्योंकि तो इस तरफ तो बंद है, तो इस तरफ भी उसको आना होगा। तो Q46 तक आया। तो Q46 है क्या, GR का फुल नॉच प्रोटेक्शन रिले। ये था हाफ नॉच, ये था फुल नॉच। तो फुल नॉच में अगर GR स्टकअप हो जाता है, अटक जाता है, तो ये रिले हमारा एनर्जाइज होकर डीजे को ओपन करेगा। तो Q46 ये भी हमारा नॉर्मली अभी क्या है, डी एनर्जाइज है, तो इसका भी हमारा नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक इसका लगाया गया है। तो सप्लाई यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद देखिए इस तरफ भी इसका जाने का रास्ता है, इस तरफ भी जाने का रास्ता है, बट हमारा कॉन्टेक्टर तो क्लोज नहीं हुआ। तो C105 एंड 6 एंड 7 का क्या है, इंटरलॉक इस तरफ नॉर्मली ओपन है। नॉर्मली ओपन किसको ऐसा रहेगा, तो नॉर्मली ओपन है। अगर ये जो लाइन रहेगा हमारा लेफ़्ट साइड रहेगा तो ये क्लोज है, और इस तरफ रो है तो ओपन है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा ओपन है। आगे जो था पहले वाला तो में क्या था, ये क्लोज था, इसीलिए ये सप्लाई को आगे जाने का रास्ता दे रहा था। बट इस तरफ ये तो ओपन है, तो सप्लाई तो आगे जाने का रास्ता नहीं देगा। तो सप्लाई कैसे जाएगा, ये सप्लाई जाएगा GR के, ये जो इंटरलॉक है 025, मतलब ये क्या होगा, GR हमारा 0 में रहेगा, 1 में रहेगा, 2 में रहेगा, 3 में रहेगा, 4 में रहेगा और 5 में रहेगा। तो ये क्या करेगा, हमारा सप्लाई आगे जाने देगा। अगर GR हमारा 6 में रहेगा, 6 में रहेगा, तो ये बोलेगा जाएगा नहीं है जाने के लिए। 025 तक हम जाने दे सकते हैं, बट 6 नॉच हो गया तो हम नहीं जाने सकते। अब दूसरा पथ रास्ता खोजिए। ठीक है, तो आप 0 to 5 तक GR जाने दे रहा है, तो सप्लाई यहाँ तक आकर Q11 को मिला। ये क्या मिला? पॉजिटिव करंट इसको मिला बैटरी का, और नेगेटिव टर्मिनल का सीधा इसको जोड़ के दे दिया। तो इसको क्या करेगा, जब इसका पॉजिटिव टर्मिनल भी मिल गया और नेगेटिव भी मिल गया, तो Q118 हमारा एनर्जाइज हो गया। तो एनर्जाइज होने से ये क्या रिले है, ये हमारा जो ऑक्सिलरी उसका ऊपर में लगाया गया है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो उसका प्रोटेक्शन रिले इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन रिले, जो हम लोग Q118। ये रिले का और भी एक फंक्शन है, क्या है, ये रिले हमारा टाइम लैग रिले है। तो टाइम लैग कितना है इसका, 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड तक क्या करेगा, अगर ये रिले को हम लोग जो सप्लाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे रहा था, ये अगर मान लीजिए उसको नहीं दिया, पहले दिया तो ये एनर्जाइज हुआ, अब हम लोग इसको बंद कर दिया, तो ये 5 सेकेंड तक एनर्जाइज रहेगा खुद से ही। पावर इसको नहीं मिलने से भी 5 सेकेंड तक इसको एनर्जाइज वो खुद से रखेगा, इसीलिए इसको टाइम लैग रिले बोलता है, जिसका 5 सेकेंड इसका टाइम लिमिट है। तो ये Q118 हमारा एनर्जाइज हुआ। ये जो अब एनर्जाइज होता है तब क्या होता है, इसका सर्किट में जो इंटरलॉक लगाया गया है वो चेंज होता है। तो देखिए इसमें सर्किट में एक ही इंटरलॉक डीजे सर्किट में है, इसका Q118 का जो Q44 ब्रांच है उसका ऊपर में है। तो ये नॉर्मली क्या था, ओपन था, वो अब क्या होगा, ये तो क्लोज हो गया रिले, तो रिले क्लोज होने से इसका इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा, इस तरफ आएगा। बट क्लोज होने से भी ये Q44 पहले हमारा एनर्जाइज नहीं होगा। पहले क्या हुआ, हमारा Q118 एनर्जाइज हुआ। उसके बाद देखिए क्या होता है, पहले सप्लाई तो यहाँ से आकर इसको एनर्जाइज कर दिया। ठीक है, ये एनर्जाइज होने से ये क्लोज होके रखा, बट उसके बाद क्या काम होगा देखिए, ये CCPT से जो पहला रास्ता इसको जाएगा, दूसरा आ जाएगा इस तरफ से CCDJ 6 amps जो स्विच है, फ्यूज है, उसके अंदर से। उसके जाते टाइम देखिए उसके रास्ता में पड़ेगा BP1 DJ। ये क्या है देखिए, एक पुश बटन है, स्प्रिंग लोडेड है, तो पुश बटन है। ये पुश बटन देखिए नॉर्मली क्लोज है, मतलब इसको अगर दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो जब हमारा ज़रूरत पड़ता है लोगों का डीजे ओपन करने के लिए, तो BP1 DJ को अगर हम लोग प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, डीजे ओपन हो जाएगा। और एक स्विच रहता है BP2 DJ, अगर ये देखिए ये ओपन है तो इसको प्रेस करेंगे क्या होगा, ये लग जाएगा तो क्लोज होगा। तो डीजे को ओपन करने के लिए BP1 DJ और डीजे को क्लोज करने के लिए BP2 DJ। तो देखिए सप्लाई CCDJ से होकर BP1 DJ तो क्लोज है, दबाया तो नहीं हम लोग, तो नॉर्मल रहने दीजिए उसको। BP1 DJ से होकर इस तरफ एंड इस तरफ जाएगा, बट इस तरफ एंड इस तरफ में कोई अंतर नहीं है, ये कैब 1 ये कैब 2 है। अगर कैब 2 से गाड़ी चला रहा है तो इस तरफ सप्लाई जाएगा, एंड कैब 1 से होगा तो कैब 1 से इस तरफ होकर जाएगा। मान लीजिए कैब 1 से हम लोग चलते हैं, तो पहले क्या पड़ेगा देखिए, BL DJ का इंटरलॉक। BL1 DJ कैब 1 है, इसीलिए 1 लिखा है, BL1 DJ। तो हम लोग BL की को क्या करते हैं, जब अनलॉक करते हैं तब इसमें देखिए ये BL का इंटरलॉक ये क्लोज होगा, तो ये लग जाएगा। उसके बाद हम लोग BL DJ को क्लोज करते हैं, तो BL DJ को क्लोज करने से देखिए इसका जो नॉर्मली ओपन था ये क्लोज हो जाएगा। ZPT क्या करते हैं, उसके पहले ZPT को हम लोग 0 से लगा कर 1 और 2 में रखते हैं। तो इसका 0 में रखेगा तो ये ओपन रहेगा, 1 में रहेगा तो ये क्लोज होगा, साथ ही में हमारा रियर पैंट उठेगा। अगर ये 2 में रहेगा तो क्लोज होगा, साथ ही में हमारा लीडिंग पैंट उठेगा। देन हमारा क्या होगा देखिए, BL और DJ ये भी हमारा क्या है, स्प्रिंग लोडेड BL स्विच है। ये दबा के रखना होता है 4 सेकेंड के अंदर तक, ये दबा के रखेगा तो डीजे क्लोज होगा। तो BL और DJ को हम लोग दबा के रखेंगे तब क्या होगा, ये क्लोज होगा, बट ये नॉर्मली क्या है, ओपन है। तो ये क्लोज जब करेगा क्या होगा, सप्लाई को आगे भेजेगा, जब ये छोड़ देंगे सप्लाई ऑफ हो जाएगा। तो अभी हम लोग BL और DJ को प्रेस करके रखा, तो सप्लाई इस तरफ से जाकर GR 0 एक इंटरलॉक है। अगर GR 0 में नहीं रहा तो हमारा डीजे हमारा क्लोज नहीं हुआ, तो जीआर 0 में रखा है तो Q45 को मिला। तो क्या हुआ, पहले Q118 उसके बाद हुआ Q45। तो ये Q45 क्या है, डीजे रीसेटिंग रिले बोलता है इसको। तो ये हमारा एनर्जाइज हुआ, ये एनर्जाइज होने से देखिए इसका भी रिले ये एनर्जाइज हुआ, पॉजिटिव इसमें मिला नेगेटिव इसमें मिला तो ये एनर्जाइज हो गया। अब देखिए इसका जो सर्किट में इसका इंटरलॉक है ये चेंज होगा, कहाँ पे है, इस तरफ एक है, ये क्या है नॉर्मली ओपन है ये क्लोज हो जाएगा, साथ ही में Q45 के ऊपर ये भी ओपन था ये भी क्लोज हो जाएगा। तो सप्लाई अब इस ब्रांच में कैसे जाएगा, पहले तो ये क्लोज नहीं था तब सप्लाई इस तरफ टर्मिनल से एंड इस टर्मिनल से रुका था, जब ये क्लोज हो गया तब ये सप्लाई Q44 से होते हुए ये तो पहले हमारा क्लोज हो गया, तो ऐसे होते हुए एसएनजीआर क्लोज ऑन फुल नॉच। फुल नॉच में क्या होगा, एसएनजीआर का एक सेल्फ इंटरलॉक लगाया गया है तो उससे अंदर होते हुए Q44 को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्या हुआ, हमारा Q44 हमारा एनर्जाइज हुआ। जब हमारा Q44 एनर्जाइज हुआ इसका भी देखिए 0.6 सेकेंड का क्या है टाइम लैग रिले है, मतलब इसका सप्लाई हम लोग नहीं देगा तो भी 0.6 सेकेंड तक ये एनर्जाइज में रहेगा। और देखिए Q44 का इंटरलॉक ये तो एनर्जाइज हो गया, तो इसका इंटरलॉक कहाँ पे है, इस तरफ है, ये इंटरलॉक क्लोज होगा। तो देखिए एक सप्लाई इधर से जो आ रहा था इधर तो गया, साथ ही में इधर भी एक सप्लाई जाएगा एंड Q44 तो क्लोज हो गया, ये इंटरलॉक रिले एनर्जाइज होने से ये इंटरलॉक क्लोज हो गया। अब ये जो सेफ्टी रिले सभी है ये क्या होगा, नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है, कोई भी सेफ्टी रिले अगर ड्रॉप होगा तो इसका इंटरलॉक खुल जाएगा तो हमारा डीजे ओपन होगा। इसीलिए हम लोग ये डीजे सर्किट में सभी सेफ्टी रिले का इंटरलॉक लगाया गया है। तो सभी सेफ्टी रिले जो है QOA, QLA, QLM, QOP1, QOP2, QRSI1, QRSI2, QEMS, किसी डायग्राम में देखिएगा तो QEMS नहीं रहता है, सभी ये जो रिले है ये हमारा क्या है नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है, तो सप्लाई सीधा इधर से आकर इधर तक आ जाएगा। और एक देखिए एक Q44 से होते हुए इस तरफ एक सप्लाई जा रहा है एंड जाकर एक Q45 क्या हुआ था, पहले जब ये क्लोज हुआ था इसमें तो क्लोज हुआ, साथ ही में ये भी क्लोज हुआ गया था क्योंकि पहले था नॉर्मली ओपन बट ये एनर्जाइज होने से ये इंटरलॉक क्लोज हुआ। एंड QCBR जो इंटरलॉक था वो तो पहले से ही क्लोज था तो C118 अब क्लोज हुआ, फिर C118 जो कॉन्टेक्टर है वो क्लोज हुआ। तो पहले क्या हुआ Q118 फिर Q45 फिर Q44 नेक्स्ट C118। तो C118 क्या होता है, हमारा बोला आरनो को स्टार्टिंग फेज देने के लिए स्विच फिट करके ये देता है तो सानो स्टार्ट होता है। तो ये हमारा क्या हुआ कॉन्टेक्टर क्लोज हुआ, कॉन्टेक्टर का कॉयल को मिला तो कॉन्टेक्टर क्लोज हो गया। कॉन्टेक्टर क्लोज होने से उसका इंटरलॉक अब देखिए क्या होगा, इस तरफ जो C118 का कॉन्टेक्टर का इंटरलॉक था वो ओपन था तो वो क्या होगा क्लोज होगा, एंड इस तरफ जो C118 का इंटरलॉक का ओपन था मतलब क्लोज था वो ओपन हो जाएगा। तो ये तो ओपन हो जाने से क्या होगा, सप्लाई काट हो गया और सप्लाई नहीं जा रहा है तो तुरंत क्या Q118 डीएनर्जाइज होगा, नहीं होगा क्योंकि हम बोला Q118 टाइम लैग रिले है 5 सेकेंड, मतलब ये 5 सेकेंड तक खुद से ही खुद को एनर्जाइज करके रखेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये विदिन 5 सेकेंड के अंदर हम लोग डीजे को क्लोज कर लेना है, नहीं तो Q118 हमारा डीएनर्जाइज होगा, उसके अंदर Q45 है तो Q45 हमारा डीएनर्जाइज होगा, Q साथ में एक एक करके डीएनर्जाइज हो जाएगा। तो तुरंत 5 सेकेंड के अंदर हमारा डीजे क्लोज हो जाना चाहिए। तो कैसे करेगा डीजे क्लोज, तो C118 हमारा कॉन्टेक्टर क्लोज होने से ये क्लोज हो गया, तो सप्लाई ये जो रुका था ये इस तरफ से जाकर इसमें आएगा। QPDJ क्या है, एक प्रेशर रिले है जिसमें अगर 4.6 kg/सेमी² प्रेशर रहेगा न्यूमेटिक प्रेशर तो ये क्लोज रहेगा, क्योंकि हम लोग जब लोगों को एनर्जाइज करता है तो बेबी कंप्रेसर को चलाता है तो ये आरएस प्रेशर को बिल्डअप करते तो ये आरएस प्रेशर लेकर क्या होगा 4.6 जब इसमें प्रेशर आ जाएगा तो ये एनर्जाइज हो जाएगा तो सप्लाई एमटी डीजे ब्रांच को देगा। तो नेक्स्ट क्या होगा एमटी डीजे जो ब्रांच है एमटी डीजे ब्रांच हमारा एनर्जाइज होगा। तो एमटी डीजे ब्रांच एनर्जाइज होने से हमारा डीजे क्लोज होगा। अब जब डीजे हमारा क्लोज हो गया तब क्या होगा ये डीजे जो इंटरलॉक था नॉर्मली ओपन ये क्लोज हो गया। क्लोज होने से इस तरह जो सेफ्टी रिले से करंट आ रहा था C108 होकर वो आप इस तरफ भी आएगा इस तरफ भी आएगा दोनों तरफ भी आएगा। बट हम लोग का 5 सेकेंड है 5 सेकेंड के अंदर होना चाहिए। डीजे तो क्लोज हो गया बट ए रिले तो 5 सेकेंड के बाद हमारा डी एनर्जाइज हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग आप PLR डीजे को छोड़ देंगे। डीजे क्लोज हो गया। डीजे क्लोज होने के साथ ए इंटरलॉक लगा। साथ ही में क्या हुआ क्या होता है डीजे क्लोज होने से हमारा OIC जो सप्लाई है वो लोगों का अंदर आता है। और हमारा एक रिले है क्या है Q30 ये Q30 क्या है नो और लो वोल्टेज रिले वो भी एनर्जाइज हो जाता है। तो ये रिले एनर्जाइज होने से हमारा ये जो इंटरलॉक इसका नॉर्मली ओपन था वो भी क्लोज हो जाएगा। बात देखिए ये तो क्लोज होगा बाद में मतलब वो तो क्लोज होगा उसके बाद में हम लोग जानेंगे क्या काम है। बट हमारा जो डीजे क्लोज होने के बाद हम लोग क्या करते हैं BLR डीजे को छोड़ देते हैं। तो BLR डीजे को हम लोग छोड़ देंगे तो क्या होगा ये तो स्प्रिंग लोडेड था तो इसका इंटरलॉक अब ओपन हो जाएगा। तो सप्लाई ये जो आ रहा था इसमें तो GR0 तो है बट सप्लाई तो इसको नहीं मिल रहा है तो Q45 ओपन हो जाएगा। तो Q45 हमारा ओपन हो जाएगा मतलब ये डी एनर्जाइज हो गया। तो डी एनर्जाइज होने से देखिए पहले तो ये भी हमारा क्लोज होके रहा था वो ओपन हो जाएगा। साथ ही में C108 हमारा क्या होगा ये भी हमारा कॉन्टेक्टर ओपन हो जाएगा। तो क्या हुआ C108 जब भी हमारा ओपन मतलब कॉन्टेक्टर ओपन हो गया तो उसका जो नॉर्मली यहाँ पे क्लोज था वो फिर से क्लोज हो गया। मतलब 5 सेकेंड के अंदर ही ये काम करना होता है नहीं तो डीजे ट्रिप हो जाएगा। तो ये C108 फिर से ओपन से क्लोज हो गया। और देखिए ये Q45 का इधर भी ये जो नॉर्मली ओपन था ये क्लोज हुआ था कब जब ये एनर्जाइज था। अब तो ये डी एनर्जाइज हो गया तो ये भी ओपन हो जाएगा। तो सप्लाई ये C108 को नहीं मिल रहा है और Q45 को कैसे मिलेगा Q45 तो हमारा डी एनर्जाइज हो गया ये एनर्जाइज है ये डी एनर्जाइज आप BLR डीजे छोड़ने से डी एनर्जाइज हो गया। Q45 तो डी एनर्जाइज है। C108 हमारा डी एनर्जाइज हो गया मतलब कॉन्टेक्टर ओपन हो गया। एमटी डीजे को क्या हो रहा है डीजे जो है ये इंटरलॉक से मिल रहा है क्योंकि C108 का नॉर्मली जो ओपन था वो अब डी एनर्जाइज होने से ओपन हो गया। जब एनर्जाइज हुआ तब उसी टाइम क्लोज हुआ बट ये डी एनर्जाइज फिर से वो ओपन हो गया। तो वो ओपन होने से भी सप्लाई आप डीजे से भी मेंटेन करेगा एमटी डीजे ब्रांच को। तो ये हमारा एनर्जाइज है। और Q44 इसको तो हम लोग Q45 से दे रहा था। तो अब जब हमारा डीजे क्लोज हुआ तब नो और लो वोल्टेज रिले Q30 एनर्जाइज होने से ये इंटरलॉक से होते हुए GR0 का सेल्फ इंटरलॉक से होते हुए ये Q44 को भी हम लोग सप्लाई में रखेंगे कंटिन्यूसली। तो ये दोनों हमारा क्या हुआ डी एनर्जाइज हो गया बट ये तीनों हम लोग एनर्जाइज में रख लिया। तो अब देखिए क्या हुआ अब हमारा डीजे तो क्लोज हो गया। अब डीजे क्लोज होने के बाद हम लोग क्या करते हैं ना ये जो R0 रहेगा R0 भी स्टार्ट हो जाएगा। जो R0 रहेगा वो R0 स्टार्ट होने के बाद क्या होता है एक QCBR हमारा जो नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है वो QCBR एनर्जाइज हो जाएगा। एनर्जाइज होके उसका नॉर्मली जो क्लोज इंटरलॉक था वो ओपन हो जाएगा। बट ये ओपन होने से भी हमारा C108 तो नॉर्मली अभी क्या है ओपन हो गया क्योंकि उसका पहले Q46 का भी ओपन हो गया तो उसको पहले ही सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो ये ओपन क्लोज होने से भी कुछ चेंज नहीं होगा C108 में। तो ये हो गया हमारा डीजे क्लोज। अब हम लोग क्या करेंगे BLVMT को दबाएंगे। BLVMT दबाने से क्या होगा हमारा ये जो तीनों कॉन्टेक्टर है C105, 6 और 7 ये क्लोज होगा। क्लोज होने से क्या होगा, ये तो खुल जाएगा। अगर कॉन्टेक्टर क्लोज हुआ तो उसका जो इंटरलॉक था उसमें चेंज होएगा। तो ए क्लोज था, ए ओपन हो जाएगा, तो ए ओपन था, ए क्लोज हो जाएगा। तो सप्लाई अभी इधर से दोनों तरफ से जाएगा, बट इस तरफ से जो एक ही रास्ता मिल रहा था वो तो बंद हो जाएगा। तो उसको तो रास्ता मिलेगा इस तरफ से आने के लिए, इधर तो जाने के लिए। तो ये आप ये रिले जब होगा, ये रिले से आएगा, क्योंकि देखिए जो कॉन्टेक्टर क्लोज होगा तब क्या होगा, कॉन्टेक्टर के साथ जो मोटर है वो मोटर चलेगा, वो मोटर सही से काम कर रहा है तो उसका रिले भी हमारा एनर्जाइज होगा। तो अगर MBMT1 काम कर रहा है तो QBMT1 एनर्जाइज होकर क्लोज कर देगा, MBMT2 क्लोज कर अगर चल रहा है तो इसमें सारा जो रिले रहेगा वो मोटर के साथ हमारा इंटरलॉक है। तो ये काम करने से ये डायरेक्ट क्या होगा, क्लोज में रह जाएगा। बट देखिए यहाँ पे 5 हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑक्सिलरी है, जो कौन कौन है, MPH, MBSI1, MBSI2, MBSL1 and MBSL2। ये जो 5 ऑक्सिलरी है उसका कोई स्विच नहीं है। मतलब अब हम डीजे क्लोज कर दिया, साथ ही में ये स्टार्ट हो जाएगा, एंड ये स्टार्ट होने के बाद हम लोग BLVMT को दबाता है। तो ये स्टार्ट होने से देखिए पहले तो इस तरफ से सप्लाई जो जा रहा था, जो BLVMT दबाने से पहले बोल रहे हैं, तो BLVMT दबाया नहीं अभी, तो इस तरफ से सप्लाई ऐसे पहले जा रहा था। अब डीजे क्लोज हो गया तब क्या होगा, ये सप्लाई ऐसे जाएगा एंड साथ ही में इस तरफ भी जाएगा। देखिए क्योंकि Q46 क्या है, एनर्जाइज हो गया ना, ये बोलने भूल गया था। देखिए Q44 क्या है, एनर्जाइज हो गया। तो Q44 जब एनर्जाइज होता है तो ये तो पहले नॉर्मली डी एनर्जाइज था, उसी टाइम इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक था, बट इसका जो नॉर्मली क्या होगा, ओपन हो जाएगा कब ना, ये जब एनर्जाइज में रहेगा। तो एनर्जाइज होके इसका ओपन कर दिया। तो सप्लाई अभी इस तरफ से होकर ये जो 5 हमारा डायरेक्ट ऑक्सिलरी है उससे जाकर ये Q1 को मिलेगा। तो सप्लाई इधर से होकर इधर से जाकर ये QBSI1, QBSI2, QPH और QCBR से होते हुए Q1 को मिलेगा। QCBR भी हम लोग चेंज किया, क्या हुआ, एनर्जाइज होने से इसमें ओपन हुआ तो इसमें क्लोज हुआ। तो ये देखिए QBSI जो है MBSI का, QBSL जो 2 है, ये SL है, सॉरी ये 2 है, तो एक MBSL1, MBSL2, MPH ये तीनों चलना स्टार्ट हुआ। तो इसका रिले भी हमारा क्लोज हो गया। QBSR का क्या हुआ, क्लोज हुआ। तो साथ ही में ये सप्लाई इसको मिल रहा है। अब इस तरफ देखिए 2 है डायरेक्ट ऑक्सिलरी, QBSI1 और QBSI2। तो सप्लाई इधर से जा रहा था, इधर होके साथ ही में इधर से होके जाएगा। अब BLVMT को क्लोज किया तो ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, साथ ही में ये दोनों तरफ जा रहा है, बट इसमें सप्लाई अब ये रिले क्लोज होके इस तरफ जाएगा, इस तरफ पूरा बंद हो जाएगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो सप्लाई ऐसे जाकर ऐसे मिलेगा एंड ऐसे भी जाएगा, जब तक 6 नॉच आ जाता है तब तक इससे रास्ता देगा। और इसमें ऐसे जाकर इधर से भी जा रहा है एंड ऐसे जाकर इधर से भी जा रहा है, जब तक GR 0 में है। अगर 1 हो गया तो सिर्फ ये रास्ता मिलेगा, अगर 6 हो गया तो सिर्फ ये रास्ता मिलेगा। तब यही लेना है। BLVMT क्लोज करने के बाद 1 नॉच लिया, तो नॉच 1 आने से क्या होगा, GR 0 था, 1 हो जाएगा। तो सप्लाई अभी ये QBSI1, QBSI2 से होकर Q44 को मिलेगा, एंड इधर तो 1 लेने से भी कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये 5 नॉच तक जाने का रास्ता का एक कंडीशन रखता है। अगर ये लेते लेते हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 तक ले लिया तो ऐसे ही 5 नॉच तक चलेगा। बट जब लोग 6 नॉच ले लेते हैं तब ये ओपन हो जाएगा, तब सीधा इसे जाते हुए C105, 6, 7 करके Q1 को मिलेगा। तो ये था हमारा डीजे का सर्किट डायग्राम। तो हम डीजे क्लोज़ किया, BLBMT को क्लोज़ किया एंड नॉच लेकर गाड़ी चला रहा है। तो देखिए अब लोको में हम लोग ये ट्रिपिंग फेलियर जो आता है ये हम लोग डीजे सर्किट से कैसे याद रख सकते हैं। पहले देखिए हम लोग लोको में सब चेक करते हैं। चेक करने के बाद हम लोग बैटरी को ऑन करते हैं। बैटरी ऑन करने के बाद बैटरी वोल्टेज हम लोग देख लेंगे। देखने के बाद हम लोग बेबी कंप्रेसर को चलाएंगे। बेबी कंप्रेसर चलाने के बाद हमारा जो प्रेशर रहेगा RS प्रेशर बिल्डअप हो जाने के बाद हम लोग ZPT को 1 में रख कर पेंटो को चलाएंगे। अगर पेंटो रियर वाला ख़राब होगा तो 2 में रख कर लीडिंग पेंटो को चलाएंगे। फिर क्या करेंगे, BL को हम लोग अनलॉक करेंगे। BL की अनलॉक करने के बाद हमारा अब आएगा असली जो ट्रिपिंग फेलियर वाला, उसमें हम लोग आते हैं। तो देखिए BL अब हम लोग अनलॉक कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग जो करते हैं, BLDJ को क्लोज़ करते हैं। BLDJ जब हम लोग क्लोज़ कर लेते हैं तब क्या होता है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं BLRDJ को प्रेस करते हैं। ये दोनों करते हैं क्या, BLDJ को क्लोज कर देते हैं एंड BLRDJ को प्रेस करके रखते हैं। देन हमारा LSDJ जो लैम रहेगा वो क्या होना चाहिए, एक्सटिंग्विश होना चाहिए। वो एक्सटिंग्विश होता है। ये एक्सटिंग्विश होने के बाद हमारा जो UA नीडल रहता है वो क्या होगा, डेविएट होगा, हिलेगा, वही वोल्टेज दिखाएगा एमीटर में। नेक्स्ट देखिए, मतलब इसमें क्या हुआ, हम लोग डीजे क्लोज करने के लिए स्विच ऑपरेट किया। इससे पता चलता है हम लोग LSDJ से डीजे क्लोज हो गया। इससे पता चलता है हमारा जो OHE का सप्लाई था वो हमारा लोको का अंदर आ गया। नेक्स्ट लोको का अंदर आने से जो डायरेक्ट 5 ऑक्सिलरी हम लोग जाना है क्या क्या, MBSI 1, SI 2, MPH and MBSL 1, MBSL 2, ठीक है। तो ये जो 5 ऑक्सिलरी है ये डायरेक्ट ऑक्सिलरी हमारा चलना क्या होगा, स्टार्ट होगा। उसका जो साउंड रहेगा वो साउंड हम लोग का सुनाई देगा। ये ऑक्सिलरी के साथ क्या होगा, R9 भी रहेगा तो R9 भी चलेगा। नेक्स्ट R9 जब स्टार्ट हो जाएगा तब हमारा LSCHBA हमारा एक्सटिंग्विश होगा। देन क्या होगा, हमारा लोको का डीजे क्लोज हो गया, लोको में हमारा सप्लाई आ गया, डायरेक्ट ऑक्सिलरी स्टार्ट हो गया, R9 भी चल रहा है, हमारा बैटरी चार्जर भी काम कर रहा है। अब हम लोग BLBMT को क्लोज करेंगे। तो हमारा जो तीनों ब्लोअर है MBMT 1, MBMT 2 एंड MBRH वो स्टार्ट होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, लोगों का ब्रेक रिलीज करके नॉच लेंगे। ये है हमारा क्या है ना, डीजे क्लोज के टाइम प्रोसीड्योर। पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऐसे ही करते हैं। एनर्जाइज के टाइम तो एनर्जाइज करके लोगों का चलाने से पहले बहुत ट्रिपिंग हम लोग को मिलेगा। तो एक एक ट्रिपिंग को हम लोग पहचानेंगे कैसे जी ये कौन सा ट्रिपिंग है एंड इसका कॉजेज क्या है। ये हम लोग ये जो स्टेप हम लोग देख रहे हैं ये स्टेप से पता करेंगे। तो पहले देखिए हम लोग क्या किया, BLDJ को क्लोज किया एंड BLRDJ को प्रेस किया। तो क्या होना चाहिए, हमारा LSDJ जो लैम्प है वो एक्सटिंग्विश होना चाहिए। बट मान लीजिए ये क्लोज किया, ये प्रेस किया, बट ये हमारा जो लैम्प है ये एक्सटिंग्विश हुआ नहीं, तो ये लैम्प एक्सटिंग्विश नहीं होने से क्या इंडिकेशन दे रहा है, हमारा डीजे क्लोज नहीं हुआ। तो डीजे क्लोज नहीं होने से इसका ट्रिपिंग क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल टू क्लोज डीजे, मतलब ICDJ। तो ICDJ इसको बोलेंगे। BLDJ को क्लोज करने के बाद BLRDJ को प्रेस करके रखेंगे तो हमारा LSDJ बुझेगा नहीं, तो ये ICDJ है। अब सर्किट में हम लोग समझेंगे क्या कर रहे थे। BLDJ को प्रेस करेंगे तो इसका इंटरलॉक लगा है, ZPD तो पहले से ही हमारा लगा हुआ है, BLRDJ भी प्रेस करेंगे तो लगा गया। तो ये तीनों तो सप्लाई हमारा देने के लिए क्लोज करके रखा है। बात हमारा LSDJ नहीं जल रहा है, मतलब डीजे क्लोज नहीं हो रहा है। तो किस में खराबी हो सकता है, देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा एक प्रेशर रिले है। अगर हमारा MR RS प्रेशर नहीं रहेगा लोको में तो क्या होगा, डीजे क्लोज होगा नहीं। तो पहले तो हम लोग प्रेशर इंश्योर करेंगे लोको का प्रेशर है कि नहीं, MR RS प्रेशर, क्योंकि हमारा डीजे क्लोज करने के लिए डीजे में भी एक सप्लाई जाता है, वो सप्लाई में भी हम लोग प्रेशर चाहिए। अगर वो प्रेशर नहीं रहेगा तो डीजे क्लोज नहीं होगा। तो पहले हम लोग MR RS प्रेशर को चेक करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे एक Q108 अगर एनर्जाइज नहीं होगा तो हमारा डीजे क्लोज नहीं होगा। उसके बाद अगर हमारा Q45 एनर्जाइज नहीं हुआ तो भी हमारा डीजे क्लोज नहीं होगा। अगर Q45 भी एनर्जाइज नहीं हुआ तो भी हमारा डीजे क्लोज नहीं होगा। C118 हमारा एनर्जाइज नहीं हुआ, मतलब क्लोज नहीं हुआ कॉन्टेक्टर, तो भी एनर्जाइज मतलब क्लोज डीजे क्लोज नहीं होगा। अगर MT DJ भी हमारा एनर्जाइज नहीं हुआ तो भी हमारा डीजे क्लोज नहीं होगा। तो ये जो रिले एंड कॉन्टेक्टर है उसमें भी खराबी हो सकता है, Q108, Q44, Q45, C118, MT DJ। तो इसमें खराबी होने से हम लोग का ICDJ मिलेगा। हम लोग BLDJ को क्लोज करेंगे, BLRDJ को प्रेस करेंगे तो भी हमारा LSDJ बुझेगा नहीं, क्योंकि ये रिले भी खराबी है। और हो सकता है हमारा MR RS प्रेशर लेस है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। BLDJ को क्लोज किया, BLRDJ को प्रेस किया, इस बार LSDJ हमारा एक्सटिंग्विश हो गया, मतलब हमारा डीजे क्लोज हुआ। ये इंडिकेशन दे रहा है क्या, डीजे क्लोज हुआ। अब डीजे क्लोज होने के बाद वही चीज़ जो सप्लाई है वो डीजे से थ्रू हमारा लोको में आना चाहिए, वो लोको में आ रहा है कि नहीं, वो इंडिकेशन कहाँ से मिलेगा, हमारा UN needle डिवेट होगा, हिलेगा। तो UN needle क्या अब क्या हो रहा है, वो डिवेट नहीं हो रहा है। तो वो डिवेट नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब सप्लाई लोको में नहीं आ रहा है, तो आनो भी नहीं चलेगा, डायरेक्ट ऑक्सिलरी का साउंड भी नहीं आएगा, साथ में LSCHB भी हमारा एक्सटिंग्विश नहीं होगा, जला ही रहेगा। तो क्या होगा, 5.6 सेकेंड के अंदर क्या होगा, LSDJ फिर से जल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे नो टेंशन। 5.6 सेकेंड के बाद क्या होगा, LSDJ जलेगा। पहले तो LSDJ बुझ जाएगा, बट हमारा UN needle तो अब बुझा नहीं, मतलब डिवेट नहीं हुआ। तो आनो डायरेक्ट जो ऑक्सिलरी है वो भी स्टार्ट नहीं होगा, LSCH भी सप्लाई नहीं मिल रहा है तो वो भी स्टार्ट नहीं होगा। तो हमारा LSDJ फिर से हमारा क्या होगा, जल जाएगा। तो इसको हम लोग नो टेंशन बोलते हैं। तो आइए सर्किट में देखते हैं क्या किया। BLDJ को प्रेस किया, क्लोज किया, ZPT पहले से है, BLRDJ को प्रेस किया, LSDJ एक्सटिंग्विश हो गया। बट हमारा UN needle डिबेट नहीं हो रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, हमारा जो OHE है उसमें हमारा सप्लाई नहीं है, जो OHE में डिफेक्ट हो सकता है। इसीलिए हम लोग डीजे तो क्लोज हो रहा है, बस सप्लाई डीजे को नहीं मिल रहा है, डीजे के थ्रू लोगों में। जो फीडिंग पावर सर्किट है हमारा, वो फीडिंग पावर सर्किट में हमारा कोई भी काट हो जा सकता है। और हमारा जो लोको का रूप में पेंटोग्राफ है, वो पेंटोग्राफ में कोई फॉरेन बॉडी हमारा अटक जा सकता है। और हमारा ऑक्सिलरी पावर सर्किट जो है उसमें भी डिफेक्ट हो सकता है। तो कोई भी हमारा ओएचई में डिफेक्ट, फीडिंग पावर में डिफेक्ट, ऑक्सिलरी पावर सर्किट में डिफेक्ट, लोगों का ऊपर कोई भी हमारा फॉरेन बॉडी अटक जाना, ओएचई में सप्लाई नहीं रहना, इस कारण से क्या होगा, नो टेंशन होगा। क्योंकि पहले तो हमारा डीजे तो सही है, डीजे क्लोज हो रहा है, बट सप्लाई नहीं आ रहा है। तो सप्लाई में कोई काट रहेगा तभी ये प्रॉब्लम हमारा आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नो टेंशन। अब हमारा देखिए बीएल डीजे को क्लोज किया, बीएलआर डीजे को प्रेस किया, एलएच डीजे हमारा एक्सटिंग्विश हो गया, यूएनडीएल भी हमारा डिवेट हुआ, मतलब हमारा ओएचई वोल्टेज हमारा आ रहा है। तो आर0 और डायरेक्ट ऑक्सिलरी है, इसका साउंड आ रहा है, मतलब चल रहा है और नहीं भी चल सकता है। बट हमारा एलएचसीएच भी हमारा एक्सटिंग्विश नहीं हुआ। तो एलएचसीएच भी हमारा एक्सटिंग्विश नहीं होने से क्या होगा, 5.6 सेकेंड के बाद हमारा एलएचडीजे फिर से चल जाएगा। मतलब हमारा डीजे क्लोज हुआ, ओएचई सप्लाई हमारा आ रहा है लोगों में, बट हमारा बैटरी चार्जर में सप्लाई नहीं जा रहा है। तो बैटरी सप्लाई में सप्लाई कैसे जाता है, ये आर0 से जाता है। अगर आर0 में कोई डिफेक्ट रहेगा तो एलएचसीएच भी हमारा बुझेगा नहीं। तो इसका डिफेक्ट कहाँ पे रहेगा, तो ऑपरेशन इसको ए बोलेंगे, ऑपरेशन ए, जिसको 5.6 सेकेंड के बाद क्या होगा, ये डीजे ओपन हो जाएगा, एलएचडीजे चल जाएगा। तो सर्किट में देखिए हमारा डीजे क्लोज हुआ, बीएल डीजे को क्लोज किया, बीएलआर डीजे को प्रेस किया, हमारा एलएचडीजे भी एक्सटिंग्विश हो गया, यूएनडीएल भी डिफेक्ट हुआ, बट हमारा आर0 में अगर डिफेक्ट रहेगा और एक QCBR जो इंटरलॉक है उसमें भी डिफेक्ट रहेगा तो हमारा डीजे क्लोज होगा, मतलब ओपन हो जाएगा। क्योंकि देखिए QCBR क्या होता है, नॉर्मली अभी तो डी एनर्जाइज में है, ठीक है। जब ये एनर्जाइज में होगा, आर0 जब चलना स्टार्ट होगा, तब हमारा QCBR क्या होगा, एनर्जाइज होगा, आर0 के साथ ए एनर्जाइज होगा। तो QCBR हमारा एनर्जाइज होने से क्या होगा, इसका जो इंटरलॉक ओपन था ये क्लोज होगा। तो क्लोज हुआ, बट हमारा ये जो क्लोज होगा, तो जब ये पाथ इससे होकर करंट जाएगा, तब ये अगर ओपन हो जाता है खराबी की वजह से, तो ये सप्लाई Q1 को नहीं देने पाएगा। तो नहीं दे नहीं पाएगा तो क्या होगा, Q1 हमारा डी एनर्जाइज होके एमटी डीजे को डी एनर्जाइज कर देगा, तो हमारा डीजे ओपन हो जाएगा। देखिए पहले तो हमारा डीजे कैसे क्लोज होता है, इसका नॉर्मली ऐसे जाता है, फिर 5 सेकेंड तक एक ओपन, मतलब खुल जाने से भी ये क्या होगा, 5 सेकेंड तक रहेगा। बट ये आर0 जब चलना नहीं है तो QCBR भी हमारा क्या होगा, खराबी रहेगा। तो क्या होगा, हमारा ये जो सप्लाई रहेगा इसको ये हमारा नहीं मिलेगा। तो ये नहीं मिलने से डीजे ओपन हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऑपरेशन ए बोलेंगे। तो ऑपरेशन ए में मेनली हमारा आर0 और QCBR के डिफेक्ट होने से क्या होगा, ऑपरेशन ए ट्रिपिंग फेलोर आएगा। फिर देखिए BLDJ को क्लोज किया, BLRDJ को प्रेस किया, एलएचडीजे हमारा एक्सटिंग्विश हो गया, यूएनडीएल भी डिबेट हो गया, डायरेक्ट ऑक्सिलरी आर0 भी हमारा चल रहा है, उसका साउंड भी आ रहा है, एलएचसीएच भी अब हमारा बुझ गया। फिर क्या करते हैं हम लोग, बीएलआरडीजे को छोड़ देते हैं, प्रेस करके रखा था ना, वो छोड़ दिया। तो तब क्या हुआ, हमारा बीएलआरडीजे छोड़ने के बाद 15 सेकेंड के बाद हमारा डीजे एलएचडीजे जल गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेशन बी। मतलब सब तो क्लोज हो रहा है, डीजे क्लोज हो रहा है, सप्लाई भी आ रहा है, आर0 भी सही से चल रहा है, एलएच भी है, मतलब बैटरी भी चार्जर हमारा काम कर रहा है, बट बीएलआर डीजे को छोड़ने के बाद हमारा डीजे ओपन हो रहा है। तो इसको ऑपरेशन बी बोलेंगे। क्योंकि देखिए हम लोग जब बीएलआर डीजे को छोड़ देता है स्टार्टिंग में, तो क्या होता है, ये क्लोज में प्रेस करके रखते हैं, जब छोड़ देते हैं तब क्या होता है, ये हमारा डी एनर्जाइज होता है Q45। तो Q45 डी एनर्जाइज होने से सप्लाई इस तरफ से हमारा Q45 को मिल रहा, 44 को मिल रहा था। तो Q44 को मिल रहा था, मान लीजिए एक Q30 में डिफेक्टिव है। तो Q30 में डिफेक्ट होने से क्या होगा, जब भी हम लोग BLRTJ को छोड़ेंगे तब हमारा Q44 डीएनर्जाइज हो जाएगा। और देखिए ये जो Q44 ये एनर्जाइज होने से इसका जो सप्लाई इस तरफ से बंद हो जाएगा, तो सप्लाई इस तरफ से होकर इस तरफ से जा रहा था। किसी भी कारण से ये चारों में से कोई भी खराब हो जाएगा तो भी हमारा सप्लाई इसको नहीं मिलेगा। तो एक QBSI1, QBSL1, QBSL2, QBH एंड QCVR का जो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है उसमें खराबी रहेगा तो हमारा क्या होगा, ऑपरेशन भी आएगा। क्योंकि पहले तो इस तरफ से होकर हमारा डीजे तो क्लोज हो जाएगा 5 सेकेंड के अंदर, बट ये जो 15 सेकेंड के बाद हम लोग क्या होगा, इस तरफ से ये तो क्लोज में नहीं होगा, तो 15 सेकेंड के बाद क्या होगा, जब हम लोग ये छोड़ देंगे ये BLRTJ को तब हमारा डीजे ओपन हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऑपरेशन बी बोलेंगे। अब देखिए डीजे क्लोज हो गया, ठीक है, अब तक तो डीजे क्लोज हो रहा था, तो डीजे क्लोज हुआ। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, BLVMT को क्लोज कर रहे थे। तो BLVMT को हम लोग जब क्लोज किया तब फिर से 15 सेकेंड के बाद हमारा डीजे ओपन हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेशन ओ। 15 सेकेंड के बाद अगर BLVMT क्लोज करने के बाद 15 सेकेंड के बाद ऑपरेशन तो उसको हम लोग ऑपरेशन ओ बोलेंगे। क्योंकि देखिए हम लोग BLVMT को जब दबाता है तो क्या होगा, ये वाला रास्ता बंद हो जाएगा, कॉन्टेक्टर क्लोज होकर ये रास्ता हमारा खुल जाएगा। तो अगर हमारा ये जो कॉन्टेक्टर क्लोज होके इसका इंटरलॉक तो खुल रहा है, बट ये जो मोटर स्टार्ट हो रहा है MBMT1, MBMT2, MBRH, तो ये मोटर में कोई भी खराबी होगा तो इसका रिले भी हमारा काम नहीं करेगा। और ये रिले काम नहीं करेगा तो इसका रास्ता बंद, तो ये डीएनआरजेज साथ ही में हमारा डीजे भी ओपन। तो ऑपरेशन ओ में क्या होगा, अगर इस ब्रांच में कोई भी खराबी रहेगा तो हमारा ऑपरेशन ओ होगा। MBMT1, MBMT2, MBRH, QBMT1, QBMT2, QBRH, इसमें खराबी रहेगा तो हमारा ऑपरेशन ओ आएगा। नेक्स्ट देखिए BLVMT को क्लोज किया, मतलब डीजे क्लोज हुआ, BLVMT को क्लोज किया, ये तो 15 सेकेंड के बाद हो रहा था, बट अब क्या हुआ, हम 1 नॉच लिया। एक नॉच लेने के बाद अगर 15 सेकेंड के बाद फिर से हमारा डीजे LSDJ जल रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेशन 1। तो ऑपरेशन 1 में क्या होगा, क्या होता है, एक नॉच लेने के बाद हमारा डीजे ओपन हो रहा है, मतलब GR0 से 1 हो रहा है तब भी हमारा डीजे ओपन हो रहा है। मतलब ये GR0 में है, ये जब 1 हो जाता है तब सप्लाई हम लोग का जाने का रास्ता है, सिर्फ ये रास्ता है, ये QBSI1 एंड QBSI2। तो अगर इसमें कोई भी खराबी रहेगा तो हमारा ऑपरेशन 1 वाला ट्रिपिंग फेलियर आएगा। तो यही है इसका रीज़न। अगर MBSI1, MBSI2, QBSI1, QBSI2 इसमें कोई भी खराबी रहेगा, पहले तो डीजे क्लोज होगा, BLVMT क्लोज किया, फिर एक नॉच लेने के बाद ये वाला रीजन में कोई भी खराबी होने से डीजे हमारा ट्रिप करेगा। तो इसमें खराबी होने से ऑपरेशन 1 हो गया। अब हम लोग 1, 2 करके फिर नॉच तक ले लिया, अब 6 नॉच लिया। 6 नॉच लेने के बाद अगर 15 सेकेंड के बाद हमारा डीजे ट्रिप करता है तो उसके हम लोग बोलेंगे क्या, ऑपरेशन टू बोलेंगे। क्योंकि देखिए 0 to 5 नॉच तक GR का ये रास्ता देगा सप्लाई देने के लिए, बट 6 नॉच में ये ओपन हो जाएगा, तो ओपन होने से सिर्फ ये Q108 को सप्लाई देने के लिए मिलेगा। तो अगर ये रास्ता में कोई खराबी रहेगा तो Q108 हमारा डीएनर्जाइज होकर डीजे को ट्रिप करा देगा। तो 6 नॉच के बाद क्या होगा, C105, C106 एंड C107 ये जो कॉन्टेक्टर का इंटरलॉक है इसमें कोई भी खराबी रहेगा तो हमारा डीजे ट्रिप करेगा। और इसका जो इंटरलॉक के साथ कॉन्टेक्टर में भी कोई भी खराबी रहेगा, अगर मान लीजिए ये कॉन्टेक्टर भी हमारा सही से क्लोज नहीं हुआ तो भी क्या होगा, हमारा ये इसको डीएनर्जाइज कर देगा 5 सेकेंड के बाद, तो हमारा डीजे ट्रिप करेगा। तो आइए हम लोग एक साथ देख लेते हैं किसको क्या ऑपरेशन है एंड किसका रीजन है। आईसीडीजे क्या हुआ, पहले बीएलडीजे को क्लोज किया, बीएलआरडीजे को प्रेस किया, एलएचडीजे बुझा नहीं, मतलब हमारा डीजे क्लोज नहीं हुआ, उसका आईसीडीजे है। कारण क्या हुआ, हमारा ये जो रिले है ये रिले भी हमारा एनर्जाइज नहीं हुआ, साथ ही में हमारा एमआरआरएस प्रेशर ठीक ठाक लोगों में नहीं है। उसके बाद नो टेंशन, नो टेंशन क्या हुआ, बीएलडीजे को क्लोज किया, बीएलआरडीजे को प्रेस किया, एलएचडीजे मतलब डीजे क्लोज हुआ, यूएनएल हमारा डिबेट नहीं हुआ, मतलब हमारा ओएचसी सप्लाई लोगों में नहीं आ रहा है, तो आरनो भी हमारा डायरेक्ट ऑक्सिलरी भी नहीं चला, हमारा एलएचसीएच भी एक्सटिंग्विश नहीं हुआ। तो 5.6 सेकंड के बाद हमारा एलएचडीजे फिर से जल जाएगा, इसको हम लोग नो टेंशन बोलेंगे। इसको कारण क्या हो सकता है, हमारा फॉरेन बॉडी हमारा लोगों का ऊपर अटक जाना, ओएचसी का काट होना, हमारा पावर सर्किट में कोई भी हमारा काट होना इसका कारण हो सकता है। उसके बाद आएगा ऑपरेशन ए। ऑपरेशन ए में क्या है, हमारा बीएलडीजे को क्लोज करेंगे, बीएलआरडीजे को प्रेस करेंगे, एलएचडीजे मतलब डीजे क्लोज हुआ, यूएनएल डिबेट हुआ, मतलब हमारा ओएचसी सप्लाई लोगों में आ रहा है, हमारा जो आरनो डायरेक्ट ऑक्सिलरी है उसका चलने का साउंड हम लोग को मिल सकता है, बट हमारा एलएचसीएच भी हमारा एक्सटिंग्विश नहीं हुआ, मतलब ये ऑपरेशन ए है। और 5.6 सेकंड के अंदर एलएचडीजे फिर से जल जाएगा, मतलब हमारा बैटरी को सप्लाई नहीं मिल रहा है, मतलब हमारा आरनो और क्यूसीबीआर में कोई भी डिफेक्ट है। ऑपरेशन बी, हमारा आरनो चल रहा है, डायरेक्ट मोटर भी चल रहा है, साथ ही में एलएचसीएच भी एक्सटिंग्विश हो गया, बट हमारा 15 सेकेंड के बाद क्या हुआ, जब हम लोग बीएलआरडीजे को छोड़ देंगे तब हमारा डीजे ओपन हो गया। तो 15 सेकंड के बाद हम लोग जब बीएलआरडीजे को छोड़ देता है तब डीजे ओपन होने के लिए जो ट्रिपिंग मिलेगा उसको हम लोग ऑपरेशन बी बोलेंगे। तो ऑपरेशन बी में क्या क्या होगा, ऑपरेशन बी में अगर हमारा ये जो डायरेक्ट ऑक्सिलरी है MBSL1, MBSL2, MPH एंड QCBR, इसमें कोई भी खराबी रहेगा तो हमारा क्या होगा, ये ऑपरेशन बी ट्रिपिंग आएगा, और हमारा ये जो Q30 है उसमें भी आएगा, तो ऑपरेशन बी आएगा। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन ओ। ऑपरेशन ओ मतलब हमारा BLBMT डीजे क्लोज करने के बाद BLBMT को क्लोज करता है, तब उसके बाद 15 सेकंड के बाद अगर डीजे ट्रिप करता है, एलएचडीजे जल जाता है, तो ऑपरेशन हमारा ओ होगा। ऑपरेशन ओ हम लोग किस कारण को बोलेंगे, किस कारण से होता है ऑपरेशन ओ, अगर हमारा जो MBMT1 यानी MBMT2 उसमें खराबी रहेगा, उसका रिले में खराबी रहेगा, मतलब ये ऊपर का 3 सेक्शन में कोई भी खराबी रहेगा तो ऑपरेशन ओ हो गया, नीचे में ये चारों सेक्शन में कोई खराबी रहेगा तो ये ऑपरेशन बी हो गया, अगर QCBR आरनो में हमारा खराबी रहेगा तो ऑपरेशन ए हो गया, नो टेंशन में तो बाहर का प्रॉब्लम है, सर्किट में नहीं है, और ICDJ में नीचे में सभी रिले का हमारा खराबी रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा, तो ICDJ। अब आता है ऑपरेशन 1 में, हमारा ये डीजे क्लोज हो गया, BLBMT को हम लोग दबा दिया, एक नॉच लिया, अगर एक नॉच लेने के बाद 15 सेकंड के बाद हमारा डीजे ट्रिप करता है तो उसको ऑपरेशन 1 बोलेंगे। ऑपरेशन 1 में क्या होता है, हमारा इस सेक्शन में कुछ खराबी रहेगा, मतलब MBSI1, MBSI2, QBSI1, QBSI2 में खराबी रहेगा, तो ऑपरेशन 1 इस तरफ हो गया ऑपरेशन 1, ठीक है। और हमारा हो गया ऑपरेशन 2, 6 नॉच लेने के बाद हमारा कोई भी खराबी मतलब डीजे ट्रिप करेगा तो ऑपरेशन उसको 2 बोलेंगे। इसमें C105, C106, C107 में कोई भी हमारा कॉन्टैक्टर अगर क्लोज नहीं हुआ, बा सभी कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं हुआ, बट उसका जो इंटरलॉक है उसमें खराबी रहेगा तो हमारा डीजे 15 सेकेंड के बाद ट्रिप करेगा, तो इसको हम लोग ऑपरेशन क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। तो ये तीनों में होगा ऑपरेशन ओ, ठीक है। ये नीचे में 4, इसमें होगा क्या, ऑपरेशन हमारा बी, ठीक है। ये दोनों में होगा तो ऑपरेशन 1, ये तीनों में होगा इसमें तो ऑपरेशन 2, ठीक है। ये है ओ, ये है बी, ये है 1, ये है 2, ठीक है। तो आज का ये वीडियो में हम लोग लोगों का ट्रिपिंग फेलियर के बारे में जाना एंड कैसे इसको याद रख सकते हैं इजी तरह से हम लोग डीजे सर्किट डायग्राम देख के। तो ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक।